किसी भी देश की ज्योग्राफिकल पोजीशन उसके डेवलपमेंट में क्रूशल रोल प्ले करती है। फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड रिलेशंस से लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स तक, ज्योग्राफी किसी भी देश के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करती है। भारत का उदाहरण ही देख लीजिए। भारत के रिच पास्ट, इकोनॉमी, डाइवर्स कल्चर और यहां तक कि इन्वेजन्स जैसे चैलेंजेस में भी उसकी यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन का बहुत बड़ा योगदान है। जब भारत के समृद्ध अतीत की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत अर्ली सिविलाइजेशंस और पावरफुल एम्पायर्स की छवियां आ जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स यहां कैसे पनप पाए, किस आधार पर आबादियां इतनी बड़ी हो पाईं? जवाब है भारत की ज्योग्राफी। प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होने के कारण बड़ी आबादी के भरण पोषण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ। नेचुरल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक ज्योग्राफी पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत की ज्योग्राफी के कारण अतीत में महान समाज विकसित हो पाए। फर्टाइल प्लेन्स मौजूद होने के कारण एग्रीकल्चर हो पाया, जिससे फूड सिक्योरिटी एंश्योर हो सकी। नदियों से न केवल सिंचाई के लिए पानी मिला, बल्कि माल और लोगों को ट्रांसपोर्ट भी किया जा सका। उदाहरण के लिए, मौर्यास ने अपने विशाल साम्राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए रणनीतिक रूप से गंगा जैसी प्रमुख नदियों के किनारे प्रशासनिक केंद्र और बाजार बनाए। गुप्ताज ने कुशलतापूर्वक नदियों के माध्यम से व्यापार नेटवर्क स्थापित किया। इस तरह के कदम उठाने से उनके साम्राज्यों के विशाल क्षेत्र में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा सका। इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज की एक्सेस होने से नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो पाए। मिनरल रिसोर्सेज ने निर्माण, हथियार और व्यापार के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करी, जो बड़े बड़े एम्पायर्स के राइज और फॉल का कारण बनी। चोलास का उदाहरण देखिए। साउथ इंडिया में सोने की खदानों पर नियंत्रण करने से चोलास की इकोनॉमी बूस्ट हुई, जिससे वो अपनी पावरफुल मिलिट्री को फंड कर सके और रीजन में अपनी डोमिनेंस स्थापित कर सके। इसी तरह से लोहे के हथियारों ने मौर्यास को मिलिट्री एडवांटेज प्रोवाइड किया, जिससे वो एक ताकतवर एम्पायर खड़ा कर सके। रिसोर्सेस काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लाइफ को सस्टेन करके वो सिविलाइजेशन को आगे ले जाते हैं। हमेशा से लोग रिसोर्स रिच रीजन्स पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहे हैं। रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए अपनी शक्ति को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं, जिनसे टेरिटोरियल चेंजेस भी हुए हैं। ऐसा न केवल अतीत में हुआ है, बल्कि वर्तमान में भी हो रहा है। आज भी संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। महत्वपूर्ण रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए देशों के बीच अलायंसेस बनते हैं। अपनी एक्सेस एंश्योर करने के साथ साथ प्रयास रहता है कि प्रतिद्वंदी संसाधनों पर नियंत्रण हासिल न कर पाए। साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को नियंत्रित करने का संघर्ष और यहां तक कि चंद्रमा पर वाटर, आइस और हीलियम 3 जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस की रेस, ये सब प्रमुख रिसोर्सेस पर इन्फ्लुएंस, पावर और कंट्रोल स्थापित करने के कंपटीशन के कुछ उदाहरण हैं। भारत संसाधनों से समृद्ध देश है। भारत के क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाए जाने के पीछे देश की रिसोर्स वेल्थ का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की ज्योग्राफिकल पोजीशन का उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। एशिया के केंद्र में स्थित भारत सदियों से सेंटर फॉर कॉमर्स के रूप में विकसित हुआ है। ऐतिहासिक रूप से भारत एंशियंट सिल्क रोड और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। भारत ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला एक ब्रिज है। भारत की पेनिनसुला इंडियन ओशन में एक्सटेंड होती है। ये प्रोजेक्शन भारत को स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पोजीशन प्रदान करता है। ये भारत को प्रमुख व्यापार मार्गों के केंद्र में खड़ा कर देता है। ईस्ट और वेस्ट के बीच की इस ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में नए मार्केट्स खुलते हैं। चाहे वो अतीत में लोथल और महाबलीपुरम पोर्ट्स हों या वर्तमान में कांडला और चेन्नई पोर्ट्स, भारत ने रणनीतिक रूप से अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों पर मेजर पोर्ट्स का नेटवर्क विकसित किया है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला। ट्रेड के कारण अन्य सिविलाइजेशंस के साथ संपर्क हुआ, जिससे विचारों और टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान हुआ। डाइवर्स सिविलाइजेशंस के साथ संपर्क से कल्चरल ब्लेंडिंग हुई, आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले और धर्मों का प्रसार हुआ। उदाहरण के लिए हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्म भारत में ओरिजिनेट हुए और ट्रेड रूट्स के अलोंग ट्रैवल करते हुए एशिया में फैले। तो व्यापार मार्गों से केवल गुड्स का ही नहीं, बल्कि कल्चर का भी आदान प्रदान हुआ।
गंधारा स्कल्पचर्स में ग्रीक और भारतीय कला का मिश्रण इस जीवंत आदान प्रदान का एक उदाहरण है। भारत की ज्योग्राफिकल डायवर्सिटी और रिसोर्सेस एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म जैसी विभिन्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते रहे हैं। भारत की वास्ट कोस्टलाइन ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक वाइटल आर्टरी के रूप में कार्य करती है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिलाकर भारत की कोस्टलाइन की टोटल लेंथ 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एक्सटेंसिव कोस्टलाइन समुद्री व्यापार को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मलक्का स्ट्रेट और पर्शियन गल्फ जैसे प्रमुख चोक पॉइंट्स से भारत की निकटता देश की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है। भारत 7 देशों के साथ अपनी लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वर्तमान ज्योग्राफिकल पोजिशन के कारण ये 7 देश भारत के पड़ोसी हैं। आज भारत साउथ एशिया का पार्ट है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। किसी समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। हाँ, आपने ठीक सुना। तकरीबन 20 करोड़ साल पहले अर्थ के सभी लैंड मासेस एक साथ जुड़े हुए थे और मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसे पैंजिया कहते हैं। इस समय पर पृथ्वी पर डायनासोर्स भी मौजूद थे। भारत पैंजिया के सदर्न हिस्से में अंटार्कटिका और अफ्रीका से लगा हुआ था। लगभग 18 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण पैंजिया टूटने लगा। इससे 2 नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ, नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना। भारत गोंडवाना से जुड़ा हुआ था। तकरीबन 13 करोड़ साल पहले पूरी इंडियन प्लेट गोंडवाना से अलग हो गई। अलग होने के बाद इंडियन प्लेट नॉर्थ में इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगी और इस तरह से इंडियन प्लेट की नॉर्थ में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर यात्रा शुरू हुई। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण आज भारत अफ्रीका का नहीं बल्कि साउथ एशिया का हिस्सा है। टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। मेंटल को आप एकदम गर्म चट्टान की पार्शियली पिघली लेयर के रूप में समझ सकते हैं। याद रखिए कि मेंटल लिक्विड नहीं है, मेंटल सॉलिड है। लेकिन अगर लाखों वर्षों की टाइम स्केल पर देखें तो हमें ये विस्कस फ्लूइड जैसा प्रतीत होगा। अर्थ की इंटरनल हीट के कारण चट्टानें पिघलती हैं। कम डेंसिटी वाला पिघला हुआ पदार्थ ऊपर उठता है, फैलता है, ठंडा होता है और फिर सिंक होता रहता है। इसे कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। हाई हीट और प्रेशर के कारण पिघला हुआ पदार्थ कन्वेक्शन साइकिल में कोर से सरफेस तक पहुंचता है। अर्थ के मेंटल में इन कन्वेक्शन करंट्स के कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। तो याद रखिए कि धीमी गति से फ्लो करती हुई मेंटल की लेयर पर लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं। जिस सॉलिड क्रस्ट पर हम चलते हैं ना, उसके नीचे लगातार मूवमेंट होता रहता है और इन्हीं मूवमेंट्स के कारण विशालकाय हिमालय का निर्माण हुआ है। लगभग 5 करोड़ साल पहले नॉर्थ की ओर बढ़ रही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर के प्रेशर से क्रेस्ट ऊपर की ओर फोल्ड होती चली गई। ऐसा इमेजिन कीजिए कि हम 2 कपड़े के टुकड़ों को एक दूसरे में ढकेल रहे हैं, तो क्या होगा? प्रेशर के कारण कपड़ा मुड़ के ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक ऐसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण फोल्ड होकर ऊपर की ओर उठ गई। इसी फोल्डिंग और अपलिफ्टमेंट के कारण हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ। इन प्लेट्स का टकराना और ऊपर उठना आज भी जारी है, धीमी गति से ही सही, लेकिन आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, जिससे साल दर साल हिमालय की ऊंचाई थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। इन प्लेट्स के कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण ही इस रीजन में फ्रीक्वेंटली भूकंप आते हैं और हिमालय की ऊंचाई बढ़ती रहती है। प्राकृतिक ढाल के रूप में खड़े विशालकाय हिमालय भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करते रहे हैं। नॉर्थ से इंडिया में एंटर करने के लिए बहुत ही कम पासेस हैं। इसके अलावा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स को चैलेंजिंग बना देती है। यहाँ किसी भी सेना को खतरनाक पासेस, जमा देने वाली ठंड, डिफिकल्ट टेरेन, ऑल्टीट्यूड सिकनेस और सप्लाईज की कमी से निपटना पड़ता है। तो हिमालय एक नेचुरल बैरियर का काम करते रहे हैं। नदियों ने भी नेचुरल बैरियर का काम किया है और साम्राज्यों को आक्रमण से बचाया है। उदाहरण के तौर पर चोलास को कावेरी नदी से काफी रणनीतिक लाभ हुआ। इन्वेडिंग आर्मीज के लिए नदी को पार करना चुनौतीपूर्ण था, इसने चोलास को बाहरी खतरों से बचाया। चोलास ने रणनीतिक रूप से कावेरी नदी के पास अपनी कैपिटल बनाई।
निसंदेह भारत की ज्योग्राफी ने भारत को सुरक्षा प्रदान करी और विकास में मदद की, लेकिन साथ ही कुछ वल्नरेबिलिटीज भी प्रेजेंट करी। भारत की वेल्थ ने इन्वेडर्स को आकर्षित किया। नॉर्थ वेस्ट में भारत की वास्ट लैंड बॉर्डर्स में नेचुरल बैरियर्स का अभाव था, जिससे इन्वेडर्स का भारत में प्रवेश करना आसान हो गया। खाइबर और बोलन जैसे पासेस पर्शियंस, ग्रीक्स और टर्क्स जैसे इन्वेडर्स के एंट्री पॉइंट्स थे। बाबर ने खाइबर पास से भारत में प्रवेश किया था। कोस्टल रीजन्स भी समुद्री आक्रमण के प्रति सक्सेप्टेबल थे। उदाहरण, पोर्टुगीज ने गोवा पर कब्जा किया था। थ्रू आउट हिस्ट्री कोस्टल एरियाज विदेशी शक्तियों के हमलों के प्रति काफी वल्नरेबल रहे हैं। पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स और फ्रेंच ने कोस्ट्स पर ट्रेडिंग पोस्ट्स और कॉलोनियल सेटलमेंट स्थापित किए। इन आक्रमणों ने भारत की संस्कृति, समाज और विकास पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है। कुछ उदाहरण हैं, यूरोपियन मिशनरीज के द्वारा भारत में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करना, पोर्टुगीज के द्वारा भारत में तंबाकू, आलू, काजू, टमाटर और मिर्च लाना, और मुगल्स के अंडर भारत में उर्दू का फैलना। मुगल्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट और लिटरेचर के लिए पर्शियन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पर्शियन और लोकल लैंग्वेजेस के इंटरेक्शन ने उर्दू को जन्म दिया। बेशक अतीत में हर चीज अच्छी नहीं थी, बहुत सारे डार्क साइड्स भी थे। इन्वेजन्स के कारण भारतीयों को इमेंस सफरिंग झेलनी पड़ी थी, जैसे लड़ाइयां, कैजुअल्टीज, नरसंहार, डिस्प्लेसमेंट, उत्पीड़न, लूटपाट, ऑपरेशन, कन्वर्जन्स, सप्रेशन ऑफ कल्चर, सामाजिक तनाव, लॉन्ग लास्टिंग ट्रॉमा और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इस सीरीज में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिले। इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे भारत की यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन ने भारत के पास्ट और प्रेजेंट को शेप किया है। फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड रिलेशंस को प्रभावित करने से लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स को निर्धारित करने तक ज्योग्राफी ने भारत की यात्रा के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है। आशा करता हूं कि आपकी ज्योग्राफी और भारत के इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सुरक्षा के बीच के रिलेशंस की समझ बड़ी होगी। आज का सत्र यहां समाप्त होता है। आपके समय के लिए धन्यवाद।